please give it to me tomorrow. You know, but I have to leave it. Okay, I want to get you down. Here's just one of my engine units. I know it's 4 days in. Thank you, brother. No, I appreciate it. तो यार अजीक को मन जरूर आए हैं लेकिन काम भी जरूरी है। भाई ने कल काम पर जाना है तो उसकी तैयारी चल रही है। भाई ने अपना ट्रक दिता होना रिपेयर के लिए तो उन्हें कॉल किया अज क्योंकि उन्हें ट्रक देना से लेकिन अज दे नहीं पाया तो कल देगा होपफुली। ता ही भाई लगे हुए से गल कर हाँ जी। तो यार हुन असी सैन होजे च आए हैं टॉप गोल्फ गोल्फ खेडन। भाई हुने कहिंदे आ जाओ यार नज़ारे लैने आ ते खेडांगे तुहानू दिखावांगे किद्दां हुंदा। अज काफ़ी बिजी लगती है प्लेस क्योंकि ऑलमोस्ट सारा कुछ भरिया होया। हाले वीकेंड तो है नहीं बट स्टिल यूएसए यार लोगों नू ना हर चीज़ का शौक है। मैं देखिया सारा कुछ चलता इत्थे। और आ देखो थोनू मैं दिखाना टेस्ला की चार्जिंग कित्थे हुंदी आ। लोकी अंदर जाते हैं खेडन लिए जब तक मीन वाइल उन्हों की गड्डी बार चार्ज हो रही होंगी है। इंडिया च भी ना मेरे हिसाब तो अगे अगे हौली हौली चेंज वधूगा। हुण इलैक्ट्रिक कार्स नहीं आ रही तो हौली हौली इलैक्ट्रिक स्टेशन इदा के हर जगह लाए जाएंगे। मॉल्स के लाए जाएंगे गैस स्टेशन से तो होंगे पेट्रोल पंप अपने कहा जाता उत्थे तो होंगे। काफ़ी भरिया होया यार आप यार डेढ़ घंटे की वेटिंग है। जब तक देखते हैं इतने कुछ खाने पीन है कैफेटेरिया जहाँ बनया हुआ उतें बहने कुछ खाने टाइम किल करते हैं उस तो बाद खेडांगे तो तुहानू दिखावांगे टॉप गोल्फ। बेसिकली हुंदा की है तुसी इक्को पोजिशन से खड़े रहने हो तो सामने ग्राउंड है तुसी उत्थे अपना गोल्फ खेड दो। मोस्ट प्रोबेबली तुहाडे विचों काफ़ियां नूं पता होना मैं पहली बार आया मेरी पहली बार एक्सपीरियंस होएगा। तो यार थोड़ा प्लैन चेंज होया इत्थे डेढ़ घंटे की वेटिंग सी बुक तो असी करा लिया। इत्थे खान नालों ना एक इंडियन बहुत फेमस इत्थे एक फ्रेंचाइजी है करी अप। तो भाइयों ने मैनूं पहला भी कहा सीगा कहिंदे इत्थे तां तैनूं जरूर खवाना क्योंकि इत्थे दा खाना बहुत टेस्टी है। तो इहदे दी अच्छा नाले करी अप की फ्रेंचाइजी 1.5 मिलियन 2 मिलियन की आती है। तुसीं समझ सकते हो जिहदी 1.5-2 मिलियन की सिर्फ फ्रेंचाइजी है वह किन्ना क घेंट होना। तो चलते हैं मैं भी एक्साइटेड हाँ देखने किदा का होंगे टेस्ट वह। तो पहले उत्थे खावे उस तो बाद इतने वापस आवेंगे फिर इतने खेडांगे फिर उस तो बाद क्योंकि अज असी वापस जा रहे हैं बेकर्सफील्ड। तो ऑलमोस्ट 5-6 घंटे की ड्राइव है इतों की 5-6 घंटे की ड्राइव है 700 किलोमीटर है फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को टू बेकर्सफील्ड। हाले फिलहाल असी सैन होजे हाँ असी ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर अपने इंडियन के हिसाब में क्लीयर कर चुके हैं। तो बाकी हाले 600 किलोमीटर अगे होर रहा रफली 4-4.5 घंटे लगते हैं क्योंकि इतने ना ब्रेकां नहीं लगदिया इतने स्ट्रीट लाइटा नहीं आदियाँ तो वो कोई सीन नहीं है। एक बार तुम हाईवे चढ़ गए फिर तुम सीधा हाईवे पर जाने अंडर अनलैस कि शहर से वड़ते हो। फिलहाल असी सैन होजे के शहर के अंदर हाँ इतने लाइटा मिलती हैं बट एक बार जब तुम हाईवे चढ़ गए इन्हों 101 हाईवे है 5 हाईवे है इदा करके बहुत बने हुए एक बार चढ़ गए या गुड टू गो। अच्छा इत्थे ना हर रेस्टोरेंट से बाहर पैटियोज होंदे ही होंदे है मैक्सिमम होंदे है ले भाई बड़ो अंदर तो यार इतने बड़ी इंडियन वाइब आ रही आके बहुत घेंट बनाया हुआ। तो आई जस्ट गॉट टू नो कि इतने जिन्हें भी सर्वर्स है सारे गोरे रखे इंडियन ही रखे हुआ। हम पता नहीं मे बी इन्हों की पॉलिसी होएगी की होएगा
ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੀ ਉਹ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੀ ਪਤਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਫ ਇੰਡੀਅਨ ਹੁਣ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਸਰਵਰਸ ਆਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨੋਟ ਇੰਡੀਅਨ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਔਡਰ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਸੀਗੀ ਆ ਮੈਂਗੋ ਲੱਸੀ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਆ ਯਾਰ, ਅਲੱਗ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੱਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬੋਟਲਸ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਪਾਣੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਗਲਾਸਿਸ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ। ਯਾਰ ਫਿਰ ਟੇਸਟ ਟੇਸਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਢਿੱਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਢਿੱਡ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿ ਬੈੱਡ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋ ਜਾਓ, ਮੰਜਾ ਉਡਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਗੇਮ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਫ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬੇ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। Since you already been here before, just let's clarify on the safety rules. Just make sure no one's running across that yellow line. Okay. Even if your ball went a foot over, don't chase it down, because balls are unlimited, so you can hit as many balls. It's okay. Based on hourly anyway, so not okay. On how many balls. Also, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵੀ ਐਫ ਪੇਡ $75 ਪਲੱਸ ਟੈਕਸਿਸ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਹੁਣ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਖੇਡਾਂਗੇ ਚਾਰੋਂ ਬੰਦੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਗੁਰਨੂਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਗੇਮ ਹੋ ਗਈ ਡਨ ਅਤੇ ਗੁਰਨੂਰ ਜਿੱਤਿਆ ਦੋ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪੂਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਬਾਈ, ਸੰਜੇ ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਜਿੱਤਣਾ ਉਹੀ ਆ, ਕਿਸਮਤ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਸਤੀ ਜੀ ਚੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਲੈ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ? ਆਲਵੇਜ਼ ਸੈਟਿਸਫਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਆ ਬਾਈ ਦੋ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਰਨਰਸ ਅਪ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋਰੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਫਲੈਸ਼ ਲਾਈਟ ਚਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਈਟ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਲੱਗਣਾ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਘੰਟੇ ਹੋਰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਲੌਗ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੀਜ਼ਨ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦ ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਊਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਆਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,
बट आही है देखो क्योंकि यह जो मौके पर हर किसी का चित करता है कि अपने घर होवे अपने रिश्तेदार नाल होवे सबनों इंजॉय करता देख के बंदे का भी मन करता काश मैं भी उत्थे हुंदा इंजॉय करता बट आही हार्श रियलिटी है जो फेस करनी पैंदी है बाहर आके। चलो जी फिर इस गल ते करते हैं जैसी व्लॉग का एंड। जे थोनू साडी मेहनत माड़ी मोटी भी चंगी लगी होवे ते प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर कर दियो ते बाकी खुश रहो यार।